होगा, लोकसभा सत्र होगा, तो उसमें किस तरह से भूमिका अदा करेगा विपक्ष की? विपक्ष की भूमिका अपनाएगा और क्या। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव है, 10 सीटों के चुनाव होंगे, समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, जब भी चुनाव की घोषणा होगी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और सभी सीटें जीतेगा। इसको लेकर कोई इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस गठबंधन है क्या उससे बात हुई है सीट शेयरिंग को लेकर? अभी आपको बहुत जल्दी है, घोषणा तो होने दो। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जल्दी तय कर देंगे, जिसको लड़ाना होगा उन्हीं को अधिकार है, वो जल्दी तय कर देंगे। परीक्षा भी रद्द कर दी गई थी, अब उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी जांच करने जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए जितनी भी परीक्षाएं नीट के अलावा और भी परीक्षाएं हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में, सभी में पर्चा लीक हुआ है, तो जांच में तो बहुत देरी हो गई। ये तो जब पहले कोई अगर परीक्षा हुई है तो पहले जांच करा करके दंडित किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है अब दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, अब यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी की अगुवाई कौन करेगा? जिसको भी जिम्मेदारी मिल जाएगी और सभी लोग मिल करके जितने भी पार्टी के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जितने भी विधायक हैं और जितने भी सभी नेता मिल करके नेतृत्व करेंगे। केंद्र में भाजपा सरकार पूरी मोहम्मद में नहीं आई है, क्या लगता है 5 साल कार्यकाल पूरा कर पाएगी एनडीए सरकार? अब देखते जाइए क्या होता है, आज ही सब न्यूज पूछ लोगे अब देखते जाइए। सांसद जो है वो भाजपा छोड़ रहे हैं, बिना जो चार सांसद है वो टीएमसी के संपर्क में है, वो भाजपा छोड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अब ये देखिए हमारा सवाल नहीं है, इस पे हमें अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी।